के साथ वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी जी है सर, आज बैठक को लेकर क्या पूछताछ? देखो मैं बताऊं कि इस बैठक का तात्पर्य उद्देश्य यह है कि हमारी इस बैठक को एड्रेस राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और AICC के संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल जी एड्रेस करेंगे। इस मीटिंग के अंदर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं उनको सबको बुलाया गया है, बैठ के 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है उन चुनावों के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, सुझाव लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी इस मीटिंग के अंदर हमें एक संदेश देंगे, उस संदेश को राजस्थान के गांव ढाणी खेत और खलिहान तक पहुंचाने का काम हम लोगों को एकता और संगठन से करना है। सर प्रदेश में किस तरह की चुनौती मिल रही है आप लोगों को, क्या डर लग रहा है? प्रदेश के अंदर कहीं कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है और आने वाले 2023 के चुनावों को देखते हुए, क्योंकि हमने 4.5 साल हो गए, इन 4.5 सालों के अंदर हमने ऐसी सैकड़ों फ्लेक्सिप योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं का फायदा सीधा गांव ढाणी के अंदर बैठा हुआ जो गरीब परिवार है उसको हमने पहुंचाने का काम किया, उसको फायदा देने का काम किया। हम उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर और जनता के बीच में जाएंगे विधानसभा के चुनाव में, और जनता ने तय कर लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में एकता और संगठन से जनता मजबूत तरीके से हाथ को मजबूत कर वापस कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में बिठाने का काम करेगी। कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी ने घात लगा दिया है, कितनी सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मरी पड़ी है, आपस में किस तरीके से इनके जो आपस में कटुता है, आपस में एक जगह बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को भुला नहीं सकते, मंच पे किस तरीके से हुआ था जो अमित शाह आए थे उदयपुर के अंदर, किस तरीके से इन नेताओं की जो है एक झलक सामने आई थी, इनका काम पूरा हो गया, इनका बेड़ा गर्क है, ये कभी आपस में बैठ नहीं सकते। और इन्होंने 4.5 साल के अंदर जो विपक्ष की भूमिका एक सशक्त और मजबूत तरीके से निभानी थी उसमें बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। पार्टी का कुछ नेताओं के बयानबाजी के बाद भी तमाम स्थिति देखने को मिली, तो कैसे कहा जा सकता है कि ऑल यूजुअल, खास करके सचिन पायलट को लेकर? नहीं, देखो मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी एक है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम सब एक होके एकता से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम करेंगे।